तो दोस्तों कैसे हो। सो इस साल की या कह लो हम सब की सबसे ज्यादा एंटीसिपेटेड मूवी ड्यून पार्ट 2 रिलीज हो चुकी है और तुम्हें ये जान के खुशी होगी कि ये मूवी ट्रू सिनेमा आर्ट का मतलब बताती है। मैंने इससे पहले कभी भी वीडियो की शुरुआत में नहीं कहा, मगर इसको एक्सपीरियंस करने के बाद कह रहा हूं। अभी जाकर ये मूवी देख के आओ। तुम्हारे नजदीक में जो बेस्ट थिएटर है आईमैक्स हो तो और भी अच्छा है, जितना भी पैसा टिकट का ले ले मगर देख के आओ, क्योंकि ये तुम्हें निराश नहीं करने वाली। क्या ही एपिक एक्सपीरियंस था ये मेरे लिए। 2024 मूवी फैंस के लिए एक्चुअली एक गोल्डन साल होने वाला है। तुम्हें बता दूं, पैंडेमिक और राइटर स्ट्राइक के बाद चीजें थोड़ी सुधरने लगी है और इस साल काफी अच्छे अच्छे सिनेमा हमें देखने को मिलने वाले हैं सुपर हीरो जॉनरा को छोड़कर। पिछला महीना पता है ना क्या हुआ। मैडम वेब तुम्हारी बात कर रहा हूं मैं, मगर रेगुलर मूवीज हमें इस साल कई सारी देखने को मिलेगी। खैर अपने टॉपिक पे आते हैं। अब ड्यून पार्ट 2 देखने के लिए तुम्हें ऑफ कोर्स पार्ट 1 देखना पड़ेगा। अगर नहीं देखी है तो जाके देख लो, अमेज़न प्राइम पे अवेलेबल है। और अब तक क्या ही कर रहे थे यार बिना देखे। अब पार्ट 2 से पहले पार्ट 1 की एक शॉर्ट समरी करते हैं ताकि थोड़ी यादें ताजा हो जाए, और उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके, सो पार्ट 1 की शुरुआत होती है हाउस एट्रेडिस से। हाउस एट्रेडिस कलाइडन प्लेनेट के एम्पेरर या कह लो ड्यूक लेटो एट्रेडिस का साम्राज्य है। बाय द वे, लेटो एट्रेडिस का बेटा पॉल एट्रेडिस इस यूनिवर्स का प्रोटैगनिस्ट है। नाउ हुरिनो एम्पायर जो सभी प्लेनेट एंड वहां के साम्राज्यों का राजा है, एट्रेडिस एम्पायर को संदेशा भेजता है कि अब एट्रेडिस प्लेनेट अराकिस पे अपना साम्राज्य विस्तार एंड वहां के लोग और रिफाइनरी मतलब खनिज पदार्थों पे एट्रेडिस एम्पायर राज करेगी। प्लेनेट अराकिस पूरा रेगिस्तानी प्लेनेट है जहाँ प्लेनेट के चारों तरफ सिर्फ रेत है। अराकिस के ट्रू सिटीजन्स को फ्रीमैन कहा जाता है। फ्रीमैन रेतीले गुफाओं में रहते हैं जो वेल इंफ्रास्ट्रक्चर्ड एंड वेल डिजाइन गुफाएं हैं। इन गुफाओं को सीज कहा जाता है। अब प्लेनेट अराकिस पे हाउस हेरकोनिन का शासन है जो इंसान कम राक्षस ज्यादा लगते हैं। बाय द वे, उनके शरीर में बाल नहीं होते। नाउ राजा ने अराकिस का हक हेरकोनिन से छीनकर हाउस एट्रेडिस को दे दिया है, जिनसे दोनों हाउसेस नाखुश हैं। अब हाउस एट्रेडिस राजा का आदेश स्वीकार कर प्लेनेट अराकिस पे राज करना शुरू करने लगते हैं। अब एक रात हाउस हेरकोनिन धोखे से एट्रेडिस साम्राज्य में घुस वहाँ हमला कर देती है। अब इस हमले में हाउस एट्रेडिस के ड्यूक लेटो एट्रेडिस एंड पूरी एट्रेडिस ब्लड लाइन मारी जाती है। बट इस हमले में समहाउ पॉल एट्रेडिस एंड उसकी माँ लेडी जेसिका एट्रेडिस सरवाइव कर जाती है। अराकिस प्लेनेट के फ्रीमैन पॉल एट्रेडिस को अपना लिसन अलगाही मतलब मसीहा मानते हैं। एंड पॉल की माँ जो हेरकोनिन से ताल्लुक रखती है, जिससे पॉल को दो विरासतों की ताकत मिली है, जिससे पॉल को फ्यूचर के विजन एंड नाइटमेयर दिखाई देते हैं। फ्रीमैन का मानना है पॉल की किस्मत पहले ही लिखी जा चुकी है एंड पॉल एट्रेडिस ही फ्रीमैन को उनका हक दिला सकती है। बट फ्रीमैन के कुछ लोग इसे अंधविश्वास मानते हैं और कुछ सही। नाउ पॉल एंड जेसिका एट्रेडिस मदद की तलाश में फ्रीमैन के पास शेल्टर लेते हैं, मगर फ्रीमैन का भरोसा जीतने के लिए पॉल को एक टेस्ट देना होगा, टेस्ट ऑफ लाइफ, जहां फ्रीमैन के एक सिपाही से पॉल को लड़ना होगा एंड जो जिंदा रहेगा वही जीतेगा। जहां पॉल चैलेंजर को हराकर फ्रीमैन में अपनी जगह बना लेता है। इसके बाद हाउस हेरकोनिन हाउस एट्रेडिस को तो डिस्ट्रॉय कर चुका है एंड उसके साथ सारे फ्रीमैन्स को मार देने का ऑर्डर जारी करती है। एंड नाउ एट द लास्ट प्लेनेट अराकिस के खतरनाक रेतीले जगहों पर बहुत सारे रेतीले कीड़े रहते हैं जो साइज में बहुत बड़े होते हैं। फ्रीमैन उसे अपना भगवान मानते हैं एंड शाई हुलूत कहते हैं। नाउ इसके बाद की स्टोरी पार्ट 2 में देखने को मिलेगी। तो कैसी लगी स्टोरी समरी। अब बात करते हैं पार्ट 2 की, जहां कहानी को आगे बढ़ाते हुए पॉल एट्रेडिस अपने मकसद की ओर आगे बढ़ते हैं फ्रीमैन के साथ कंधा से कंधा मिलाकर। सबसे पहले तो उनकी रीति रिवाजों को समझता है, उनके धर्म उनके बिलीव्स को समझता है। उसकी कहानी फ्रीमैन के मुताबिक पहले ही लिखी जा चुकी है, जहां हम पॉल के इस कठिनाइयों से भरे सफर को अनुभव करते हैं। पॉल का बदला, अपनी पूरी ब्लड लाइन का बदला, अपने पिता का बदला, उसके इस नए वॉर पाथ को हम मूवी में एक्सपीरियंस करते हैं, जहां आसान भाषा में हम इस मूवी में टिमोथी शैलेमेट एके पॉल एट्रेडिस रेवेंस स्टोरी को एक्सपीरियंस करेंगे, उसके जर्नी को एक्सपीरियंस करेंगे। 1965 में रिलीज हुई साइफाई नोवेल ड्यून, जिसके ऑथर हैं फ्रैंक हबर्ट, जिसके अडेप्टेशन है ये मूवी सेम नाम से, जहां डेनिस वेलेनेव्यू ने सोचा कि इसको दो पार्ट में रिलीज किया जाए, जहां अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें तो पार्ट 2 वहीं से शुरू होता है जहां पार्ट 1 खत्म हुआ था। तो उस हिसाब से इस मूवी का जो टोटल रन टाइम निकलता है लगभग 5 घंटे का, दोनों पार्ट लगभग 2.5 आवर की हैं। और इस रन टाइम में डायरेक्टर डेनिस ने क्या कमाल कर दिखाया है। ड्यून का यूनिवर्स ये साबित कर देता है कि अगर एक डायरेक्टर को क्रिएटिव फ्रीडम दी जाए तो वो क्या कर सकता है। यूजुअली WB वाले आसानी से किसी को क्रिएटिव चॉइस देती नहीं है, तभी तो क्रिस्टोफर नोलन छोड़ के चले गए, वरना ओपेनहाइमर हमें WB के अंदर ही देखने को मिलती। खैर जो भी हो, डेनिस ने अपना फ्रीडम का पूरा फायदा उठाया है इस मूवी में। अगर मैं एग्जांपल दूं तो मूवी में एक ब्लैक एंड व्हाइट मोमेंट भी आता है, जहां एक बैटल सीन है कोलाइजियम जैसी जगह पर। ये सीन एक ग्राउंड पे शूट किया गया था, जहां चारों तरफ कई सारे लोग उस बैटल को देख रहे थे। वही जो पूरा ब्लैक एंड व्हाइट सीन है, जो कैमरा है उसमें इंफ्रारेड लेंसेज का इस्तेमाल किया है, जिससे जो सीन शूट किए गए हैं वो पूरा ब्लैक एंड व्हाइट में शूट हुआ है, ना कि पोस्ट प्रोडक्शन में उसको एडिट किया।
किया है। तुम समझ रहे हो, क्रिस्टोफर नोलन टाइप की डायरेक्शन की गई है यहाँ पर। जितना सीन को रियल बना सकते हैं उतना बनाया गया है। इवन एक पूरी फ्रीमैन भाषा बनाई गई है, एक नई भाषा, मतलब बहुत ही अच्छा एफर्ट लगाया है। मूवी के सिनेरियो, सिनेमेटोग्राफी एंड जो बैटल सीक्वेंसेस है, दे आर रियली जो ड्रॉपिंग। परफॉर्मेंस पे आए तो टिमोथी शैलेमेट, ज़ेंडाया, रेबेका फर्ग्यूसन, क्रिस्टोफर वॉकन एंड ऑस्टिन बटलर, इन सभी ने मूवी में वो अमेजिंग वाला काम किया है। मूवी के पुराने कास्ट तो ठीक है, मगर ऑस्टिन बटलर भाई एक्सपेक्ट नहीं किया था। उनका जो मूवी में रोल था, मतलब मैंने सोचा नहीं था कि ये इतना कमाल निकलेगा। तुम ये समझ लो वन ऑफ द कूलेस्ट एंड बैडएस विलेन अगर कहोगे तो भी कम पड़ेगा। इसके बाद मूवी का प्रोटैगनिस्ट पॉल एट्रेडिस के कैरेक्टर बिल्डअप पे फोकस किया है। पहले में कैरेक्टर बिल्डअप की थोड़ी सी कमी लग रही थी, मगर यहाँ पे वो पूरा हो जाता है। ऑल द मूवी में आपको एक लव एंगल भी देखने को मिलेगा, जो कि अगेन मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, टिमोथी एंड ज़ेंडाया के बीच, जिसमें थोड़ा बहुत धिंकाचिका सीन भी है। तो अपने साथ किसे ले जाओगे सोच लेना, एक छोटा सा किस सीन भी ना काफी है आपको आपके परिवार के सामने एम्बेरस फील कराने के लिए। बाकी इन दोनों के रिलेशन कहीं भी क्रिंजी या फिर फोर्स्ड फील नहीं होती, इनफैक्ट आपको अच्छा ही लगता है, आप उस मोमेंट को एंजॉय करते हो। इसके बाद मूवी में कई सारे जोक्स भी क्रैक किए गए हैं, जिसको देख के आप थोड़ा बहुत स्माइल तो कर ही दोगे। और तो सीन के हिसाब से जोक्स क्रैक होती है। पहले पार्ट में जोक्स का काफी कम इस्तेमाल किया है। जो पहला पार्ट था वो काफी ड्रामेटिक, मसालेदार डायलॉग और धमाधम बीजीएम पे फोकस करती है। मतलब मास ऑडियंस के लिए पहला पार्ट काफी एंटरटेनिंग है। वही इसका सेकंड पार्ट कैरेक्टर डेवलपमेंट, पॉलिटिक्स, रिलीजियन, डायलॉग्स को ज्यादा ड्रामेटिक ना बनाकर मोर रियलिज्म डायलॉग हमें देखने को मिलती है। मतलब मेरे हिसाब से ये रिडली स्कॉट की हिस्टोरिकल मूवीज ने थोड़ी बहुत गेम ऑफ थ्रोन्स जैसी लग रही थी। मतलब ये एग्जांपल था कि आपको एक्सपेक्टेशन कैसे रखनी है। और मूवी का एक्शन एंड बैटल सीक्वेंसेस, वाह, मतलब आंखों को चैन मिलना जैसे कहते हैं। सीजीआई, कहीं नहीं लगा कि ये सीन सीजीआई से क्रिएट किया है। इवन जो रेतीला केड़ा जिसे मूवी में शाही हुलूत कहा गया है, तुम्हें उससे देख के दिल में चैन आएगा कि टेक्नोलॉजी कितनी एडवांस हो गई है। कभी सोचा नहीं था कि एक कीड़ा पूरी मूवी का हाईलाइट बनेगा। उसके बाद जो वॉर मोमेंट्स थे, एयरक्राफ्ट डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, नीचे गिर रहे हैं, धमाके हो रहे हैं, ये सब कुछ इतना वेल डिजाइन एंड वेल डिटेल है कि तुम भूल जाओगे कि तुम सिर्फ एक कंप्यूटर ग्राफिक्स से बनी मूवी देख रहे हो। इसके बाद मैं मूवी के बैकग्राउंड स्कोर को कैसे मिस कर सकता हूँ। मतलब पार्ट वन से कंपेयर करें तो हर 2-3 सेकंड बाद बीजीएम नहीं बचता। इवन कुछ सीन्स तो एकदम म्यूट और साइलेंट हो जाती है। मतलब बीजीएम एक मोमेंट पर उस सीन को फील कराने के लिए जितना बचता है, इट्स मोर देन इनफ। एंड म्यूजिक में जो इलेक्ट्रॉनिक एंड मेलांकोलिक फीलिंग आपको महसूस होती है ना, वो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। मेरी नजर में ड्यून पार्ट 2 एक मस्ट वॉच मूवी है। हर किसी को ये मूवी देखनी चाहिए जिन्हें ट्रू सिनेमा पसंद है, जिन्हें ट्रू साईफाई एक्सपीरियंस चाहिए, जो कुछ सालों के लिए थिएटर से गायब भी हो चुकी थी, उनके लिए मस्ट वॉच है। और रेटिंग की बात आती है, ये मेरे लिए पहली बार होगा कि मैं किसी मूवी को रेटिंग दे रहा हूँ 10 में से 10। जी हाँ, और मूवी हिंदी लैंग्वेज में भी अवेलेबल है। सो मैंने डिटेल में बताई है कि मूवी एक्सपेक्टेशन कैसे रखनी है, तो थोड़ा बहुत तो आइडिया हो ही गया होगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। डेडपूल ट्रेलर का रिव्यू देखने के लिए राइट वीडियो पे क्लिक करें, वर्ल्ड वॉर हल्क के ऊपर वीडियो देखने के लिए लेफ्ट वाली। मैं मिलूंगा आपसे अगले किसी वीडियो के साथ। लेकर के लिए गुड बाय।